हेलो गाइस, आज का इस नया वीडियो पर मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग करने को सिखाऊंगा कुछ इस तरह से। सो गाइस, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह से फोटो एडिटिंग करने को वीडियो लाते रहता हूं। सो गाइस, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको यहां से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद आपको यहां से शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपको यहां से पिकआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। सो आपको यहां से इस ऐड फोटो पे क्लिक करना है। एंड ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपको अपने फाइल पे चले जाना है। पीएनजी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, हम इस मॉडल का पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे ना, यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद इस मॉडल का पीएनजी को कुछ इस तरह से हम लगा लेंगे। एंड लगा लेने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है डन। डन कर लेने के बाद आपको यहाँ से फिर से पीएनजी सेलेक्ट करना है। तो गाइस, हम इसके लिए चले PNG को सेलेक्ट कर लेंगे। इस PNG को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस ऐड फोटो पे क्लिक करना है। एंड ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से इसका साइज को बढ़ा कर लेना लेंगे। देन आपके यहाँ से इस ब्लेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से स्क्रीन पे कर लेना है, सॉरी मैनिपुलेट पे कर लेना है। एंड यहाँ से ओपेसिटी पे जाएंगे हम। एंड इसका ओपेसिटी हम कम कर लेंगे। एंड यहाँ से डन कर लेंगे। डन कर लेने के बाद इस फोटो को सेव कर लेंगे। इस फोटो को सेव कर लेने के बाद आपके यहाँ से लाइटरूम ऐप की ओर इस फोटो को ऐड कर लेना है। सो गाइस, चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। तो गाइस, हमारी फोटो सेव हो चुकी है। हम यहाँ से इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइस, हम लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो गाइस, लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करते कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ से इस अल्स फोटो पे क्लिक कर सेलेक्ट कर लेना है। अपने फोटो करना है, देन आपको इस लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से इसका शैडो को हम बढ़ा लेंगे। यहाँ से ब्लैक को हम माइनस कर लेंगे। देन आपको यहाँ से इस टेम्परेचर टूल पे क्लिक करना है। इस टेम्परेचर टूल पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से मिक्स टूल पे चले जाना है। एंड इसका सेचुरेशन को हम बढ़ा लेंगे। एंड यहाँ से लुमिनेंस को हम बढ़ा लेंगे। देन यहाँ से आपको ऑरेंज कलर पे जाना है। यहाँ से लुमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेंगे। देन आपको इस सियान कलर पे जाना है। सियान कलर का भी सेचुरेशन हम बढ़ा लेंगे। देन ब्लू कलर का भी सेचुरेशन को हम बढ़ा लेंगे। एंड ऊपर से कर देंगे डन। डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से इसका वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे। देन आपके यहाँ से इस टूल पे क्लिक करना है। यहाँ से शार्पिन ऐड कर लेना है। यहाँ से नॉइस सेचुरेशन को ऐड कर लेंगे। देन आपके यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी ऐड कर लेना है। एंड कलर सेचुरेशन को भी ऐड कर लेना है। देन आपके यहाँ से इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से सेव टू डिवाइस अपने फोटो को कर लेना है। तो गाइस, हम कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।